हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आशिकृति। बद्रीनाथ के दर्शन कर माना गांव से होते हुए अब हम निकल रहे हैं। यहां की नेचुरल ब्यूटी देखकर मन बार बार यहां आने को करेगा। ये देखिए सामने झरना, ब्यूटी ऑफ नेचर। और अभी रात हो गई तो आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा, तो हमने ये होटल लिया है। ये होटल हमने रुद्रप्रयाग में लिया है। सामने आपको आवाज आ रही होगी नदी की। अभी अंधेरा है तो दिख नहीं रहा, मॉर्निंग में दिखाऊंगी आपको। नहीं आ रहा। यहाँ होटल में बहुत सुंदर इसको सजाया गया है और ये पूरी दिवाली की तैयारियाँ कर रहे थे। इसे पकड़। ये होटल का टेरेस है और यहाँ से बहुत सुंदर सीनरी नज़र आ रही है। ये देखिए मॉर्निंग का सीन, मॉर्निंग का व्यू। ये अलकनंदा नदी है और यहाँ इसी की आवाज़ रात को आ रही थी आपको, जो सुनाई पड़ रही होगी। पानी पता नहीं चलेगा, रेत लगेगी। उन्हें पूछना था पुल। अब हम निकल पड़े हैं होटल से। भाभी मेन तो पुल है ना यहाँ का, ये वन वे है इधर से पुल लेने। हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर और ये श्रीनगर का धारी देवी टेम्पल। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में ये एक भव्य मंदिर है और यह मंदिर काली माता को समर्पित है। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग स्थित है तथा निचला भाग कालीमढ़ में मां मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत और घाटियों से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर स्थल पर बना हुआ है यह मंदिर।
नवरात्रों में यह मंदिर विशेष रूप से फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। माँ धारिक देवी एक कहानी के मुताबिक तीन रूप बदलती है, सुबह छोटी बच्ची का, दोपहर में युवती और शाम को वृद्ध का रूप माँ धारण करती है। नवरात्रों में यहाँ विशेष पूजा आयोजित की जाती है। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत और शारदीय नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए माँ के मंदिर से दूर दूर से आते हैं। माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में भी मानी जाती है। माँ को महाकाली के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ फोटोग्राफी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाऊंगी, बट मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ। तो हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं माता के। नीचे नदी है तो थोड़ी देर के लिए हम नदी में जाएंगे। ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा। ये श्रीनगर का धारी देवी बीच। जब भी कोई मंदिर आता है तो इस नदी के किनारे भी ज़रूर आता है। यहाँ पर थोड़ा घूमते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और यहाँ की लोकेशन बहुत ही सुंदर है। स्लिप तो नहीं हो रहा? चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों से घिरा ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है।
अंदर जाना मना है, ठीक है ना। अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। चार्जेस लेते हैं पता नहीं क्या। बहुत ही सुंदर जगह, ब्यूटीफुल लोकेशन। ये दो नदियों का मिलन यहाँ पर संगम। ये अलकनंदा और भागीरथी नदी, दोनों नदियाँ मिलकर गंगा नदी से मिलती हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको संगम कहते हैं। अभी एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ो। अनु आ जरा, बस यहाँ से पकड़ थोड़ा सा, बस ऐसे मैं देखनी चाहिए उसके लिए ना। मैं तेरी फोटो। इधर आओ ना, गाड़ी में मत जाओ, जाओ अभी उधर खड़ी हो जाओ। और यहीं ख़त्म होता है हमारा अब तक का सफ़र। मिलती हूँ मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में।